अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आज का थोड़ा फैमिली वाला व्लॉग है। ये पीछे हमारी गाड़ी है, हम सिर्फ थोड़ा सा व्लॉग बनाने जा रहे हैं फैमिली के साथ, क्योंकि आज बर्फ़ भी पड़ी है। तो निकलते हैं। ये बाबा की गाड़ी है, इसकी मैं फुल वीडियो किसी दिन बाद में बनाऊंगा। ये डिजिटल प्लस दूसरा मिक्स है। तो अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरी देखें, एंड तक देखें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आइडिया इतना कोई दूर जाने का था नहीं, मगर क्योंकि घर पे सारे बैठे बोर हो रहे थे और डिप्रेशन के मरीज़ बनते जा रहे थे, और इस चीज़ को दूर करने के लिए हम कोई लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए हैं। अभी कोई डेट बजा है, वैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाने का टाइम नहीं है, मगर वैसे ही हमारा गड्डी के लिए सारे निकल पड़े। ये अभी सड़क की हम साइड पर रुके हैं, बट व्यू चेक करो, और थोड़ा आगे रुक जाते हैं। मतलब कि व्यूज देखो यार, लुक एट इट। ये सीधी सड़क मेरे ख्याल से वो जो ये जो फार्म है उधर को जाती है, बट ये देखो यार कितना प्यारा लग रहा है। अभी भी हम लंदन से इतना दूर नहीं है, सो इट्स लाइक हाफ एन आवर अवे। सो आई थिंक ये कोई वाइन यार्ड है, यहाँ से वाइन बिकती है फिर सर से। आई थिंक यहाँ पे जो वाइन बनती है वो है, बट इट्स जस्ट क्लोज। तो आई थिंक ये फार्म है इधर, वाइन आई थिंक ये वाला वाइन फार्म है ये, आई थिंक सो उस साइड पे ये वाइन फार्म है, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, क्योंकि मैं ज़्यादा आगे तक जाना नहीं चाहता क्योंकि वापस भी जाना है। तो बट यार लुक एट द व्यू। ये है जगह का नाम, दिस इज़ बेसिकली वाइन फॉर्म। अच्छा ये यहाँ पे
ये वाइन फार्म्स है बेसिकली। मुझे नहीं था पता कि वाइन फार्म ऐसे के दिखते हैं। पहली दफ़ा मैंने ये वाइन फार्म देखा। चलो ये बाबा गाड़ी साफ कर रहे हैं। और आई थिंक विलेजेस ऐसे के दिखते हैं ना, ये कितने प्यारे हैं सारे। ये विलेजेस में आते हैं या सिटी में आते हैं अंदर? ये जनाब हम आ गए हैं फार्नहम में, और ये बेसिकली छोटा सा टाउन है, लाइक अ लोकल एरिया। ये आपका ट्रेन स्टेशन है, आई थिंक उससे आगे जाए तो बस स्टैंड भी आ जाता है। देखो ये फार्नहम की हाई स्ट्रीट है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे टैक्सीज वगैरह खड़ी होती हैं, ट्रेन स्टेशन है। ये छोटा सा इनका, ये देखो आई थिंक कार फॉर सेल टैक्सिको। मुझे तो ये भी नहीं था पता कि यूके में भी टैक्सिको के पंप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ दो तीन ही देखे हैं। बट या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम विटनेसिंग दिस एंड दिस इज़ वेरी ओल्ड, लाइक ये बहुत पुराना लग रहा है वैसे भी दिखने में भी। ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं पहले भी आया हुआ हूँ, मगर जब मैं छोटा होता था तब आया था। तो सो दीज आर द ट्रेन्स, लंदन वाटरलू और गिलफर्ड। आई थिंक गिलफर्ड इससे आगे है, और लंदन वाटरलू की जो ट्रेन्स है एक है। ये अभी भी पुराने वाला है, पता नहीं लोग इस्तेमाल करते भी हैं या नहीं करते। ये यहाँ पे जाले वगैरह लगे हुए हैं वैसे, आई डोंट थिंक सो नोबडी यूज इट। देखो ये यहाँ की लोकल बस, बस स्टॉप, सी लुक। और ये हमारी मर्सिडीज़, बहुत गंदी हुई है या बारिश स्नो वगैरह की वजह से और सॉल्ट वगैरह की वजह से। वैसे ये देखो चलती, और ये देखो यहाँ की लोकल बस। लंदन की बसेस सिर्फ रेड होती है, इधर की सिर्फ इस कलर में होती हैं। तो ये इधर चल जाओ तो ये स्टेशन है। मुझे नहीं था पता कि आप स्टेशन में ऐसे एंटर हो सकते हो। लेट्स गो बैक। ज़्यादा आगे किधर जाना है? आगे यहाँ पे कुछ है नहीं दिखाने दिखाने को इतना, क्योंकि छोटा सा टाउन है, टाउन में इतना कुछ होता नहीं है। ये बड़ा सा पार्किंग लॉट है एंड दैट्स अबाउट इट। आई थिंक दिस इज़ अ राउंड अबाउट। हाँ बहरहाल चलो वापस चलते हैं गाड़ी की तरफ।
ये छोटा सा व्लॉग था, घर वालों के साथ निकल आए, सोचा कि बाहर फिर लें, तो अभी वापस घर की तरफ जा रहे हैं, तो घर जाके मुलाकात होगी फिर यहाँ रास्ते में। जब घर को वापस जा रहे हैं तो एक ये भी व्यू आ रहा है सारा, देखो कितना प्यारा है। इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये बंद बनाई हुई है, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है, सो आई कॉन्ट गो देयर, बट लुक देयर टाइनी हाउसेस, सो बट खड़े हो सकते हैं। ऐसी जगह पे जाने का मुझे बड़ा मजा आता है और ऐसी जगह पे तो या आई थिंक अब वापस चलते हैं घर भी जाना है। बहरहाल ये मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग है, ये प्रॉपर तो कुछ हुआ नहीं, ये अनप्लान था, हम लोगों ने निकलना नहीं था, मगर हमें निकलना पड़ गया। वैसे मम्मा भी जाए थी, मैं भी जा रहा था, मगर फ्यूचर में मैं ट्रैवल व्लॉग बनाऊँगा अच्छे वाले। बट अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, बिगिनर हूँ, काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, तो आगे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी।